हम इस वक्त उन्नाव शहर की इंडस्ट्रियल में एक फैक्ट्री है जिसका नाम है AKI इंडिया इंडस्ट्रियल। अब उसमें हम बैठे हुए हैं, उसके ऑनर हैं मिस्टर रॉकी साहब, जो असद भाई जिनका जिनको असद के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपने वर्कर्स के साथ बहुत अच्छे इंतजाम किए, और उसके लिए उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक की डिस्टेंसिंग के पालन के सारे निर्देश दे रखे हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं, हमारे जो यहाँ जवानों हैं फैक्ट्री मालिक हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे उन्होंने क्या इंतजाम किए और क्या कुछ तैयारियाँ की। हाँ जी असद भाई बताइए कि आपको क्या कुछ तैयारियाँ की यहाँ पर। जैसे एंट्रेंस से हमारी शुरुआत होती है तो वर्कर्स के सबसे पहले हमारे यहाँ जो है मतलब दो सेगमेंट हम लोगों ने बना रखे हैं, एक वर्कर्स का स्टाफ का सेगमेंट है, दूसरा विजिटर्स का है। तो वर्कर जब हमारे यहाँ आते हैं तो उनको सबसे पहले जो है गेट पर उनका टेम्परेचर लिया जाता है, उसके बाद उनको हैंड वॉशिंग के लिए पूरे इंतजाम किए गए, सोप से हाथ धोने के बाद पैर धोने के बाद फिर वो फैक्ट्री के अंदर एंट्रेंस करते हैं मास्क लगा के, और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा इंतजाम किया गया है, उस सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर में काम करते हैं। इसी प्रकार से जो विजिटर्स आते हैं तो उनके साथ जो है एक डिफरेंट उनका टेम्परेचर लेने का हैंड सैनिटाइजिंग का सिस्टम बना के और मास्क लगा के ही वो अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो है इन्होंने इस तरह की इतनी तैयारियां कर रखी हैं, और हम ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कुछ तैयारियों में जो है क्या उनको बाधाएं आई और क्या उनको परेशानी क्या, उनको किसी प्रशासन से या एडमिनिस्ट्रेशन से किसी तरह का सहयोग मिला कि नहीं मिला। नहीं, पूरी तरह से शासन प्रशासन पूरे सहयोग में है। जैसे इनिशियल स्टेज में शुरू में जब फैक्ट्रियाँ खुली थी उस समय सैनिटाइजर की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, तो आपके कानपुर के ADM सिटी ने हरदोई की फैक्ट्री से और टाइप करा दिया, हमने वहाँ से अच्छे एक रीज़नेबल प्राइस पे सैनिटाइजर्स काफ़ी क्वांटिटीज में मंगाए, जो हमने सब अपने वहाँ यूज़ भी किया और लोगों के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी किए, और अभी तो चीज़ें सब मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं। इसी प्रकार से जो मास्क की अवेलेबिलिटी शुरू में दिक्कत थी तो प्रशासन ने रेफरेंसेस दिए और उन्होंने अवेलेबल कराए, तो हम लोगों ने लेके उनसे डिस्ट्रीब्यूट भी किए, पब्लिक को भी डिस्ट्रीब्यूट किया, शासन प्रशासन को भी हम लोगों ने भेजा, आज हम लोग अपने वहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई और सब लोग मिल बांट के, और हमें स्पेशली उन्नाव प्रशासन और कानपुर प्रशासन दोनों चूँकि अगल बगल हैं तो मिलकर बहुत ही अच्छा काम हुआ। जो प्रवासी भारतीय जो भारत के इधर हाईवे पर आ रहे थे जा रहे थे उनके लिए भी भोजन का पूरा इंतजाम किया गया, और उनके लिए अच्छे से साधन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बस और ट्रक अवेलेबल कराए उससे उनको आगे भेज दिया गया। तो इस तरह से इस वैश्विक महामारी में जब देश जूझ रहा है और बुरी तरह से महामारी और परेशानियां पैदा हो रही हैं, कारोबार ठप हो गए हैं, उस ऐसी घड़ी में जब किसी के पास कुछ नहीं था तब आप लोगों ने किस तरह से प्रवासियों का साथ दिया, किस तरह से वर्कर्स का साथ दिया, और किस तरह से लोगों की जो है बीच में जाकर डिस्टेंसिंग के बारे में समझाया और उनकी हर हाल में मदद की। उन्नाव से कैमरा मैन के साथ नसीर खान, सतत प्रभात। सब्सक्राइब करें।